हो गया कांड। जो लोग कोई घर पे जो जाने आ रहा था बंदा भाई का गवर्नमेंट ने उन्हीं भी वो भी अभी टीम नहीं तो कर लिए उठते जैसे बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। अभी ये खबर आई है बांद्रा वेस्ट में माइग्रेंट वर्कर्स जो तकरीबन 3,000 लोग बांद्रा वेस्ट में जमा हो गए और उनके जमा होने का कारण उनका डेली वेज का ये प्रॉब्लम था कि वो माइग्रेंट वर्कर्स यूपी बिहार ऐसे ऐसे स्टेट से आए हैं जो महाराष्ट्र में आके अपनी डेली वेज अपनी कमाई के लिए आते हैं। वही लोग जो 14 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे थे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री ने 25 तारीख से लागू कर दिया था, 24 तारीख से ही लागू कर दिया था, वो लॉकडाउन 21 दिन का था, जो बढ़ के एक्सटेंड हो गया है। वो एक्सटेंड जो लॉकडाउन हुआ है वो एक ज़रूरी भी है और हमें उसी के साथ साथ इन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में भी सोचना है। यहीं आप देखिए कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है ये कमाई के लिए आते हैं, घर छोड़ के आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। वही यही 21 दिन के लॉकडाउन में वो वैसे ही घबराए हुए थे, परेशान थे, घर से दूर थे। वही जब 14 अप्रैल आया और 15 अप्रैल को जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने वो अपनी जो संबोधित हुए अपने भारतवासियों के साथ, उसी में उन्होंने ये 3 मई तक जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया, वो लॉकडाउन एक्सटेंड करने की वजह से ये जो लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो यूपी बिहार ऐसे ऐसे स्टेट से आते हैं वो बौखला गए, परेशान हो गए कि अब हमें घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बांद्रा वेस्ट के इलाके में वहाँ जमा हो गए और उसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज चालू किया, मारना चालू किया। जो लाठी चार्ज हो रहा है इन लोगों पर, जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स है, इनके लिए हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी इनके लिए मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, प्रशासन को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश का हिस्सा है और हमारे देश की इकॉनमी बढ़ाने में इनका भी हाथ है, उतना ही हाथ जितना हमारा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, उनका जितना है इतना इन मज़दूरों का भी है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि इनकी मदद की जाए और इनको घर पहुंचाने के लिए कोई सुविधा दी जाए। इस प्रशासन के द्वारा जो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है वो एक तरफ से सही भी है और गलत भी, क्योंकि जिस तरीके से ये लॉकडाउन आगे बढ़ा है उस तरीके से देखा जाएगा तो हर कोई इंसान अपने घर से दूर रहकर परेशान हो सकता है। जैसे कि 3,000 वर्कर एक जगह इकट्ठे होना ये बहुत मुश्किल है इस टाइम के हालात में और मुंबई जैसे इलाके में, क्योंकि मुंबई में वैसे ही महामारी का प्रकोप बहुत हो गया है, बहुत बढ़ गया है,
तो ये लोग एक भी इंसान में अगर कोरोना वायरस होगा तो ये फैल के इन 3000 लोगों में हो सकता है, और वही लोग जब अलग अलग स्टेट्स में ज़िलों में जाएंगे तो वहाँ पर भी संख्याएं बढ़ सकती है इस कोरोना वायरस की। तो इसमें उन डेली वेज जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो वो भी अपने घर से दूर है और उनका जो ज़रिया है कमाई का वो डेली वेज है, मेहनत का है, वर्कर का है, वर्किंग का है, तो इसकी वजह से उनकी भी गलती नहीं है। बट अब अगर यही चलता रहे तो हमारा देश में जो लॉकडाउन लगा है उसका तो फ़ायदा ही नहीं आएगा, वो तो हमारा लॉकडाउन बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। तो किसी तरह इन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो वर्कर्स हैं वो भी इसी देश के हैं, वो भी इसी देश में रहते हैं और उनकी भी मजबूरियों को समझना है। जैसे कि अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि खाने की राशन की कमी नहीं होगी, लेकिन राशन खाना पीना तो इंसान खा लेगा, मगर घर से दूर रहना उनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि इस कोरोना वायरस को भगाना। इस महामारी को अगर हमें पराजित करना है तो हमें एकजुट होके प्रशासन का, गवर्नमेंट का साथ देना है। जाते जाते मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरा चैनल व्यू करते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, बट उन्हें लाइक भी करते हैं, बट उन्हें मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप उस चैनल को देखो और सब्सक्राइब भी करो, ये मेरी विनती है। इस सपोर्ट से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाऊं, और जो मुश्किलात चल रही है इस टाइम देश में वो बोलूं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो और आप अप टू डेट रहे। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए कि मैं अगला वीडियो कैसा बनाऊं और ये वीडियो कैसे हैं और मेरी जानकारी कैसी है और मेरी जानकारी सुनने के बाद आपको कैसा लगा, और प्लीज़ बेल आइकन मत दबाना।